इधर रांची में बीजेपी कार्यालय में विधायक दल की बैठक बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने की है। और सूत्रों के हवाले से ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि मांडू विधायक जयप्रकाश भाई पटेल विधायक दल के नेता बने हैं। निश्चित रूप से जब सारी घोषणाएं औपचारिकताएं पूरी हो जाएगी उसके बाद ही मैं कुछ कहने के लिए आपके पास आऊंगा। खुश हैं आप? आप किस माने में खुश हैं? मैं संगठन में हूँ, एमएलए हूँ, पार्टी का उपाध्यक्ष हूँ, खुश तो ही हूँ। एकदम 32 खतियान ओबीसी ने पूरे संकेत है कि आप ही होने जा रहे हैं। आप नड्डा जी से भी मिले, सहमति बन गई। अच्छा, आप स्टेट ब्यूरो चीफ है, अगर आपका दिल्ली में कोई ऑफिस होगा तब जाइएगा कि नहीं? अरे बेवजह आपके आपके ब्लॉक वाले जो रिपोर्टर है वो डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ के पास जाते हैं कि नहीं? तो हमारी सखाए भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और हमारा परिवार का मुखिया जब दिल्ली में निवास करते तो स्वाभाविक रूप से मुझे जाना पड़ता है। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे झारखंड एडिटर हमारे राकेश जुड़े हुए हमारे साथ। जिस तरीके से राकेश, जो विधायक बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई है और बैठक चल भी रही है, तो ऐसे में सूत्रों के हवाले से ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि मांडू विधायक जयप्रकाश भाई पटेल विधायक दल के नेता बने। फिलहाल क्या कुछ लगातार इस खबर पे बने हुए हैं, क्या कुछ जानकारियां निकलकर सामने आ रही है? देखिए, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि आज की बैठक बीजेपी की काफी अहम मानी जा रही है। जहां मॉनसून सत्र को लेकर तैयारी करने की बात है, वहीं पार्टी के अंदर जिस तरीके से लंबे समय से विधायक दल के नेता की मांग हो रही थी और उसको लेकर अभी जैसे ही बाबूलाल मरांडी को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया था, उसके साथ साथ अब इस बात की चर्चा थी कि आखिर विधायक दल का नेता कौन हो सकता है, तो इसको लेकर अभी मंथन चल रही है, अंदर बैठक चल रही है, और उसमें हो सकता है कि जब बातचीत होगी और सामने जब चीजें आएंगी तो कहा जा सकता है कि किसे विधायक दल का नेता चुना जा सकेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह देखने को मिल रही है कि जेपी भाई पटेल का नाम सबसे पहले आया है। इसके अलावा कई लोगों के नाम सामने आए हैं जिस पर चर्चा हो रही है। फिलहाल केंद्र से जिस तरीके से तमाम लोग पहुंचे, खास करके अश्विनी चौबे जो वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, और साथ साथ प्रभारी जो है लक्ष्मीकांत वाजपेयी, वे भी यहां बैठक में मौजूद हैं। तो बैठक के बाद पता चल पाएगा कि आखिर किस तरीके की रणनीति बनती है, किस तरीके से विधायक दल के नाम की घोषणा की जाती है, और साथ साथ ये भी देखना होगा कि मॉनसून सत्र के दौरान जो मुद्दे होंगे उन मुद्दों पर किस तरीके से सत्र की शुरुआत होने जा रही है। और ऐसे में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक चल रही है, लेकिन अचानक से भाई जयप्रकाश भाई पटेल का नाम सामने आना, ये कितना आश्चर्यजनक था? देखिए, निश्चित तौर पे ये चूंकि चर्चा थी कि विधानसभा का कौन सा बीजेपी की तरफ से विधायक दल का नेता कौन होगा, नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, और आपने देखा होगा कि जिस तरीके से सत्र के दौरान इस बात को लेकर बार बार चर्चा की जाती थी और साफ तौर पे कहा जाता था कि बाबूलाल को विधायक दल का नेता जरूर चुन लिया गया था, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनकी मान्यता विधानसभा से नहीं मिल पाई थी, जिसको लेकर जहां विवाद भी हो रहा था और सवाल भी खड़े हो रहे थे। तो इस बार कोशिश की जाएगी बीजेपी की तरफ से कि विधायक दल के नेता का नाम सामने लाया जाए, जिससे नेता प्रतिपक्ष के नाम की घोषणा भी हो जाए, और साथ साथ जिस तरीके से सरकार के तहत कई काम ऐसे होते हैं जिसमें नेता प्रतिपक्ष की भूमिका काफी अहम मानी जाती है, वो भूमिका भी निभा सके। तो फिलहाल इस बैठक में कई नामों पर चर्चा होनी है, लेकिन जो बड़ा नाम सामने आ रहा है खास करके, वो सूत्रों के हवाले से अभी खबर आई है कि जेपी भाई पटेल जो विधायक है मांडू विधानसभा से, वे शायद हो सकते हैं कि विधायक दल के नेता हों, लेकिन जब तक अंतिम मुहर नहीं लग जाती है तब तक शायद इस पर ज्यादा कुछ कहना सही नहीं होगा, क्योंकि कई वरिष्ठ लोगों के भी नाम इसके तहत आते हैं और उस पर भी हो सकता है चर्चा होगी। अश्विनी चौबे यहां पहुंचे हुए हैं, लक्ष्मीकांत वाजपेयी यहां पहुंचे हुए हैं, और साफ तौर पर लगता है कि कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को लेकर अब जाकर थोड़ी देर में पता चल पाएगा कि आखिर क्या कुछ हो सकता है। जी राकेश, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि विधायक दल की भूमिका काफी अहम होती है, मॉनसून सत्र आने वाला है, और अगर हम पहले पिछले सत्र की बात करें, शीतकालीन सत्र हो या फिर बजट सत्र हो, लगातार हंगामे की भेंट चढ़ता नजर आया है। अब जिस तरीके से जयप्रकाश भाई पटेल का नाम सामने आ रहा है विधायक दल के नेता के तौर पर, तो ऐसे में वो सदन में विपक्ष की आवाज पेश करेंगे, आवाज बुलंद करते हुए नजर आएंगे, तो कौन कौन से अहम मुद्दे हैं जो इस बार विपक्ष में बैठी बीजेपी उठाने वाली है सदन में? देखिए, मुद्दे कई हैं, लेकिन मैं चाहूंगा, हमारे साथ प्रवक्ता प्रतुल सहदेव आ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उन्हीं से जानना चाहेंगे कि इस बार के सदन के अंदर क्या क्या मुद्दे दिखाई पड़ रहे हैं। जिस तरीके से प्रतुल जी जो बातें चल रही थी, कई ऐसे गंभीर मुद्दे हैं जिसको लेकर बीजेपी लगातार सवाल खड़ा कर रही थी सरकार पे, क्या लगता है कि मॉनसून सत्र के दौरान किन किन मुद्दों को लेकर आप लोग बातचीत करने के लिए तैयारी कर रहे हैं?
देखिए हमारे यहाँ कांग्रेस का कल्चर नहीं है, जो मुद्दे हैं वो विधायक दल की बैठक में तय होते हैं, हम बाहर इस पर टीका टिप्पणी करें तो ये उचित नहीं होगा। सारे मुद्दों पे गंभीरता से चर्चा होगी और आपको भी पता हमें भी पता है कि इस प्रदेश की विधि व्यवस्था चरमरा गई है, ग्रामीण इलाकों में नक्सलियों का तांडव है, उनका शासन चलता है और शहरी इलाकों में ऑर्गेनाइज क्राइम किस तरीके से सर चढ़कर बोल रहा है। राजधानी रांची में 48 घंटे में 3 नाबालिगों के साथ गैंग रेप होता है, 5200 रेप केसेस फरवरी तक हो चुके हैं इस सरकार के कार्यकाल में, 5772 हत्याएं हो चुकी हैं, 1,99,882 कॉग्निजल ऑफेंस संगे अपराध हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने 17.5 लाख नौकरियां देने का वादा किया था, 3.5 वर्ष से ज्यादा का समय हो गया, बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, सारी राशि सरेंडर हो रही है, महिला उत्पीड़न की संख्या बढ़ी है और जो प्रदेश की विधि व्यवस्था है, हमारे मंत्रियों पूर्व मंत्रियों पर फर्जी मुकदमे हुए, मुझे लगता इन सारी बातों पर विधायक दल की बैठक में चर्चा अवश्य होगी। उसके बाद जो अंतिम निर्णय है वो विधायक दल के नेता और जो हमारे प्रभारी है वो मिलकर विधायकों की सहमति से लेंगे। प्रतुल जी, कई सवाल जब खड़ा हो रहे थे खास करके युवाओं को लेकर, रोजगार को लेकर के, और आपने जिस तरीके से कहा कि कहीं न कहीं जो बढ़ते अपराध को लेकर के, इसके अलावे भी कई मुद्दे हैं जिसको लेकर आप बार बार चर्चा करते रहते हैं, जैसे कि बेरोजगारी को लेकर के लगातार सवाल खड़े होते जा रहे हैं। सरकार 3 साल से अधिक का कार्यकाल बिता चुकी है, किस तरीके से देखते हैं, और सदन में जरूर इन सारी बातों की चर्चा जब होगी तब चीजें आएंगी, लेकिन आप इसे किस तरीके से देखते हैं? सिर्फ 1 महीना बीतने दीजिए, 4.25 साल हो जाएगा, 3 साल की बात नहीं करें राकेश जी। 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा किया था और 17.5 लाख को होना चाहिए था, और कितने को नौकरी इन्होंने दिया, तो ये अब पीठ थपथपाते हैं, 2500 पंचायत सचिव अभ्यर्थियों की नौकरी दी इन्होंने, वो इन्होंने कहाँ दी? वो तो सरकार इनके खिलाफ, इन्होंने सरकार ने, मुझे याद है वो तिथि 19 जनवरी 2021 को विज्ञापन को रद्द कर दिया था जिससे इनकी नियुक्ति होनी थी। ये तो अभ्यर्थियों ने अपने खर्चे से सुप्रीम कोर्ट जाकर केस लड़ा तब जाके 2500 नियुक्तियां हुई, तो ये 2500 नियुक्तियां को जो सरकार ढिंडोरा पीटती है, कहा 17.5 लाख देने की बात थी, वो भी 2500 नियुक्तियां इनके खाते में नहीं है, और बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की इन्होंने वादा किया था, 5000 रुपये ग्रेजुएट को, 7000 रुपये पोस्ट ग्रेजुएट को, और अभी तक बेरोजगारी भत्ता का एक भी बेरोजगार को भुगतान नहीं हुआ। तो हमने कहा ना, मुख्यमंत्री जी के लिए सिर्फ एक डायलॉग सूट करता है, मैं जो बोलता हूँ वो मैं डेफिनेटली नहीं करता हूँ। प्रतुल जी, एक और बड़ा सवाल खास करके, आपने देखा होगा जिस तरीके से विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष को लेकर के सवाल खड़े किए जाते रहे थे बार बार, कई ऐसे काम जो रुके हुए अभी भी फिलहाल रुके हुए हैं, बाबूलाल मरांडी को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया, क्या लगता है कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में किसी और नाम पे भी चर्चा हो सकती है या फिर होने की उम्मीद दिखाई पड़ रही है क्या? देखिए हमारे यहाँ कांग्रेसी कल्चर नहीं है कि जो गांधी कहे ना खाता ना बही वही सही। हमारे विधायक दल की बैठक होती है, केंद्रीय पर्यवेक्षक आते हैं, विधायकों से राय शुमारी होती है, उसके बाद विधायक दल का नेता का चुनाव होता है। लेकिन आप बाबूलाल मरांडी जी का डर देखिए इनके ऊपर कितना है, बाबूलाल मरांडी के फोबिया से ये ग्रसित है कि जब JVM का BJP में विलय हो गया और जिसको इलेक्शन कमीशन ने मान्यता दे दी, बाबूलाल मरांडी जी ने बाजाबता BJP विधायक के नाते राज्यसभा के इलेक्शन में वोटिंग किया, उसके बाद भी ये इनको विधायक दल के नेता का दर्जा नहीं दे रहे हैं। और मुख्यमंत्री ने कहा था ना, BJP विधायक दल के नेता के लिए तरस जाएगी, स्पीकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के दबाव में है और बाबूलाल मरांडी के फोबिया से ग्रसित है। और जहां तक नए नेता के चयन का बात है तो वो तो हमारे विधायकों की अगर ऐसी कोई एजेंडा में बात आएगी, अभी विधायक बैठक चल रही है, केंद्रीय पर्यवेक्षक भी है, तब ये इशू आएगा। कुछ नाम पे भी चर्चा होनी है क्या, ऐसा कुछ सिग्नल या कुछ आप देना चाहेंगे क्या, कुछ ऐसे संकेत आएंगे? देखिए कयासों पर टिप्पणी करना बिल्कुल उचित नहीं, मैंने कहा ना ये गांधी परिवार का पार्टी नहीं है, जहां एक बार गांधी का आ गया फरमान उसी हिसाब से सारी चीजें होती हैं। विधायकों से चर्चा होगी, अगर नए विधायक दल के नेता चुनने की नौबत आती है अगर, तो सारे विधायकों से राय शुमारी होगी, केंद्रीय पर्यवेक्षक है, फिर इस पर फैसला लिया जाएगा, लेकिन ये तब होगा जब ऐसा कोई सहमति बने। तो तमाम चीजें हैं और खास करके जिस तरीके का माहौल है राज्य का और उसके बीच में BJP की जो बैठक होनी रही है, उस बैठक में जिन मुद्दों को लेकर चर्चा होनी है उस पर तो जरूर चर्चा होगी, सदन के अंदर और सदन के बाहर किस तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी, लेकिन सवाल और भी खड़े होंगे, खास करके विधायक दल के नेता की बात की जाएगी। हो सकता है केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में लोग पहुंचे हैं, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो प्रदेश के प्रभारी है वे भी यहाँ मौजूद हैं, और तमाम विधायकों की बैठक हो रही है तो इस पर जरूर चर्चा होगी, और हो सकता है कि आज एक बड़ी खबर के रूप में सामने आ कि आखिर कौन होगा विधायक दल का नेता BJP का। जी राकेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इस खबर पे बने रहिए, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तो जैसा कि आपको बता दें कि रांची के BJP कार्यालय में विधायक दल की बैठक बुलाई गई, जिसमें जिस तरीके से हमारे झारखंड एडिटर ने बताया कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी इस बैठक में शामिल हुए हैं, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे की अध्यक्षता में बैठक चल रही है, और ये भी सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि जयप्रकाश भाई पटेल का नाम सामने आया है BJP विधायक दल के नेता के रूप में। अब देखना होगा कि कब इस पे मुहर लगती है, कब इसकी औपचारिक घोषणा होती है।